हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को तीनों को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होता है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो 44,000 पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट, और आज का मार्केट पूरा साइडवेज था। यह पूरा ऑप्शन सेलर्स का डे है, और जितने लोग भी पोजिशंस लेकर बैठे हैं ना, ओवरनाइट पोजिशंस, उन लोगों को तब डर लगता है तब यहाँ पर 44,100 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, तब तक वो लोग अपना पोजीशंस नहीं काटेंगे। ठीक है, ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो मार्केट वो लोग अपना पोजीशंस काटेंगे ना, तब हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है अपसाइड। ठीक है, चाहे वो ऊपर की साइड ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा या यहाँ तक आके टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, वो तो बात की बात है, कल हमको देखना पड़ेगा कि गैप अप ओपन होने के बाद कैंडल्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हमको दिख रहा है मार्केट, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद 44,100 के ऊपर क्रॉस करने दो, या 44,873 लेवल को इसको क्रॉस करने दो। क्रॉस करने के बाद हम नीचे की साइड अग्रेसिव क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं पुट साइड, और ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा क्वांटिटी दे के ट्रेड करना, अगर फ्लैट खोल के ब्रेकआउट देगा तो। अगर ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो फिर आप लोग थोड़ा एग्रेसिव क्वांटिटी कॉल साइड भी ले सकते हो, बट गैप डाउन और फ्लैट खोलने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, आप लोग थोड़ा एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट सेलिंग आया था साइडवेज, उसके बाद और एक सेलिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए हो गया। हम निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर में है, आप लोग देख सकते हो, एक जैसे एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, मिलने के बाद 18,560 और 18,530 ये जोन के बीच में टाइम स्पेंड करके इसको सीधा ब्रेकडाउन देता है ना मार्केट, तब आप लोग पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, और आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट तो ये यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, 18,360 लेवल तक अगर फ्लैट खुलेगा तो। अगर फ्लैट ओपन होके फिर ये ऊपर की तरफ ऐसा बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, बनाने के बाद आप लोगों को इंतज़ार करना है कि ये जो जोन है यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उसका ब्रेकआउट हुआ तो आप लोग यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो ये फ्लैट ओपन हुआ तो क्या केस हो सकता है, मैं वो बता दिया। अगर ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ पर खुलना नहीं चाहिए 18,600 लेवल, क्योंकि जितने लोग भी सेलर्स हैं ना, आज का मार्केट पूरा साइडवेज था, वो साइडवेज में ज़्यादा पैसे कौन कमाता है मार्केट में, ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर्स कमाता है, राइट। अगर उसके पोजीशंस के अगेंस्ट मार्केट ओपन होता है तो वो लोग अपना पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करके यहाँ पर ये जो ये लोअर लेवल्स रहता है ना, यहाँ पर पुट ऑप्शन वो लोग सेल करने लगते हैं अपना सी पोजीशंस काट के। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का चांसेस हो सकता है। अगर ज़्यादा गैप डाउन या फ्लैट खोल के यहाँ पर ब्रेकडाउन देकर टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकडाउन देता है, आप लोग पुट में एंट्री ले सकते हो अग्रेसिव क्वान्टिटी, और गैप अप भी खुलेगा तो आप लोग एग्रेसिव क्वान्टिटी ट्रेड कर सकते हो। वो भी थोड़ा प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना, ऐसा नहीं है कि गैप अप खुल गया तो हम सीधा एग्रेसिव क्वांटिटी लेके आप बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा आपको प्राइस एक्शन देख के भी सेल कर सकते हो, या एक 5 मिनट रेड कलर कैंडल या 15 मिनट की कैंडल भी रेड कलर कैंडल देके आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे कि फिन निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये भी सिमिलर है, अगर ये जोन के अंदर ओपन होता है होने के बाद पावर के साथ अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा टारगेट 19,250 लेवल्स तक होना चाहिए, और सेलिंग ज़्यादा क्वांटिटी भी आप लोग ले सकते हो पुट साइड। अगर ये यहाँ पर ऊपर सीधा जाके यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट ये लेवल तक होना चाहिए, और क्वांटिटी 75% होना चाहिए। अगर सेलिंग साइड पुट साइड अगर आप लोग 100% क्वांटिटी ले रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा 75% ही क्वांटिटी लेना अपना कैपिटल के हिसाब से, और ज़्यादा अग्रेसिव मत लेना कॉल साइड। ठीक है, अगर ज़्यादा गैप अप भी खुलेगा तो मार्केट फिर हम देखेंगे कि यहाँ तक आके यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट बना रहा है, किस तरीके से कैंडल्स बनाता है, जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ऐसे कुछ हम देखे ट्रेड लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस और कैंडल का नेचर रखेंगे, और कॉल की साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप खुलेगा तो, अगर फ्लैट खुलेगा तो हमको इंतज़ार करना, ये जोन के बीच में हमको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। रेंज के अंदर कुछ भी ट्रेड मत लिया मत लो आप लोग, क्योंकि एक रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद वो रेंज का ब्रेकआउट मिलता है ना, तभी हमको बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और निफ्टी में भी सेम स्टोरी है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए ये जोन के बीच में, जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड लेंगे। ओके,